मैं पीयूष रंजन एग्जाम फोबिया में आप लोग का स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, मैंने बिहार दरोगा का पिछले साल 17-17 जो वैकेंसी आई थी उसमें मैंने क्वालिफाई किया था, पीटी और मेंस दोनों, लेकिन आप मेंस में दौर में क्वालिफाई ना होने की वजह से मैं सिलेक्टेड नहीं हो पाया। मैं आप लोग से सिर्फ 2 मिनट का समय लेना चाहूँगा, आप लोग सिर्फ 2 मिनट दीजिए और मैं गारंटी देता हूँ जो आप मेरे पूरे वीडियो को देखिएगा तो मेरा जो पिछला दरोगा पीटी का मेंस का मार्क्स है मैं आप लोगों के साथ वो साझा करना चाहूँगा। ठीक है, देखिए ये मेरा पीटी और मेंस का मार्क्स है। ठीक है, जैसे कि मैंने बता रखा है मेरा नाम पीयूष रंजन झा है। ये देखिए मेरे पीटी का मार्क्स है 156 और मेंस का मार्क है 165 और जनरल मेल का कट ऑफ गया था 137। ठीक है, तो मेरे इतने मार्क्स आने की सबसे बड़ी वजह है घटना चक्र। ठीक है, घटना चक्र का आप मैंने मात्र 4 बुक पढ़ा था, ये आपका हिस्ट्री पढ़ा था, पॉलिटी पढ़ा था और आपका ज्योग्राफी पढ़ा था और साइंस पढ़ा था। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, ठीक है, आप लोग जो क्लास कर रखे हैं या ना कर रखे हैं या करना है कीजिए, लेकिन इन 4 बुक पे फोकस दीजिए। ठीक है, तो मैं गारंटी देता हूँ आपके इससे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं अगर सही रूप से आपने पढ़ा तो, मैं 100% गारंटी देता हूँ। जैसे कि देखिए 156 है, 165 है। इस बार मैं जो जब 2019 में जो एग्ज़ाम हुई है, मेरे को लगता है पीटी का जो इस बार जो हुआ है तो उम्मीद है मैंने इस बार 75 क्वेश्चन से ऊपर मेरा सही होगा। ठीक है, मेरी ये गारंटी है 75 क्वेश्चन से ऊपर सही होगा। ठीक है, तो ये है। तो देखिए मैं आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट भी लाया हूँ। एक सरप्राइज़ गिफ्ट ये है जो मेरे द्वारा जो टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा, ये जो आप लोग टेस्ट देख रहे हैं, ये जो मेरे द्वारा जो टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा, ये टेस्ट मान के चलिए वीक में 3 दिन आएगा। ठीक है, मतलब हर एक 2 दिन के बाद 1 दिन टेस्ट आएगा। तो मैं जो टेस्ट लूँगा इसमें, जैसे कि मैंने अभी टेस्ट लिया, 2 टेस्ट के बाद जो अगला टेस्ट आएगा वो टेस्ट फाइनल टेस्ट होगा। ठीक है, तो उस टेस्ट में जो टॉपर पहला विजेता होगा उसको जियो का जो रिचार्ज होता है उसको 1.5 GB का रिचार्ज की राशि दी जाएगी। ठीक है, अगर वो उसने रिचार्ज करवा रखा है तो उसको उतना पैसा दिया जाएगा। ठीक है, मात्र 1 लड़के को। ठीक है, मैंने 2 ग्रुप बनाया था, दोनों ग्रुप फुल हो चुका है, 3रा ग्रुप मेरे द्वारा ये बनाया जाएगा, ये पर्सनली आप लोग के लिए है, इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है इस व्हाट्सएप से आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, अगर आप लोग को मेरे द्वारा जो टेस्ट बनाया गया अच्छा लगता है तो आप लोग जो भी राशि हो, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, वो डोनेट कर सकते हैं। ये मेरा गूगल पे नंबर भी यही है। ठीक है, ये मेरा गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर भी यही है, आप इस पे भी डोनेट कर सकते हैं। बाकी आप लोग का टेस्ट फ्री रहेगा, अगर अच्छा लगता है तभी आप लोग डोनेट कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो मैं आप लोगों से कोई राशि लूँगा। ठीक है, कोई बिल्कुल फ्री रहेगा। अगर मैं गारंटी देता हूं, अगर मैं ज्वाइन कर गया रहता तो मैं आप लोग के लिए टेस्ट बिल्कुल फ्री लाता। बाकी अन्य यूट्यूबर ने, जिनको यूट्यूब ने कहां से कहां पहुंचा दिया, वो कोई 50 रुपये, कोई 100 रुपये में किताब ला रहे हैं, मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूं मेरे द्वारा जो सेट लाया जाएगा वो फ्री होगा। वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करेगा जो आप लोग कितनी राशि देना चाहेंगे। ठीक है, तो ये 2 मिनट का समय था। अब मेरा जो है कुछ मिनट आप लोग डिस्कशन में भी सुन लीजिए, अगर डिस्कशन आप लोग को अच्छा लगेगा तभी आप लोग आगे देखिएगा और जितना जल्दी हो सकता है इस व्हाट्सएप नंबर से आप लोग मैसेज कीजिए। अगर आप लोग पीडी के छात्र हैं इस बार तो प्री लिख के भेजिएगा, अगर आप लोग मेंस के छात्र हैं तो मेंस भी लिख के भेजिएगा। काहे कि ये जो सेट बनाया गया है प्री और मेंस दोनों को देखते हुए बनाया गया और ये जो सेट है किसी भी पब्लिकेशन से नहीं उठाया गया है। मैंने देखा है जो भी पब्लिकेशन आ रही है मार्केट में एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन नहीं देती है और मेरे द्वारा जो बनाया गया है एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन बनाया गया वो आप लोग खुद देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पपी कोंडा, या इसको आप लोग पापी कोंडा भी कह सकते हैं, पपी कोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है बताइए। तो ये जो पार्क है हमारा आंध्र प्रदेश में, किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश के कुछ पार्क के बारे में और हम जान लेते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में आपको श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी है, राजीव गांधी नेशनल पार्क भी है और एक पापी कोंडा तो हमारा है ही। ठीक है, अब देख लीजिए आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ और जान लेते हैं, जैसे कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र, मेगा पावर प्लांट, तेल रिफाइनरी, ये सब भी जान लेते हैं, जल विद्युत परियोजना भी जान लेते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है, आप लोग इसको नोट करते जाइएगा प्लीज़। मैं जो टेस्ट दूंगा, मेरा जो फाइनल टेस्ट होगा, मैं जो बता रहा हूँ उसी में से टेस्ट होगा। ठीक है,
तो कृष्णापट्टनम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में दो तेल रिफाइनरी भी है, कौन सा है वो, विशाखापट्टनम और तातीपाका तेल रिफाइनरी है। आंध्र प्रदेश में कुछ जल विद्युत परियोजना के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश में आपको श्री सेलम जल विद्युत परियोजना है, पोलावरम जल विद्युत परियोजना है और नागार्जुन सागर जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में एक नाभिकीय विद्युत संयंत्र भी है, तो कोवाड़ा, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे कोवाड़ा, ठीक से देखिए, देख लीजिए यहाँ पे कोवाड़ा, कोवाड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ताप विद्युत केंद्र दो हैं, विजयवाड़ा और कृष्णापट्टनम, ये ताप विद्युत केंद्र है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कोयला आधारित विद्युत स्टेशन है जिसको एनटीपीसी ने बनाया है, और एनटीपीसी की स्थापना कब की गई थी, तो एनटीपीसी की स्थापना 1975 में की गई थी। तो जो कोयला आधारित विद्युत स्टेशन है आंध्र प्रदेश में वो है सिम्हाद्री, कौन सा है, सिम्हाद्री, ध्यान से, कौन सा है, सिम्हाद्री, सिम्हाद्री, ठीक है, सिम्हाद्री आपका कोयला आधारित विद्युत स्टेशन है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में एक ज्योतिर्लिंग भी है, ये जो ज्योतिर्लिंग का नाम है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। भारत में टोटल 12 जगह ज्योतिर्लिंग है, मैं 12 जगह का नाम किसी न किसी रूप में आपसे बता दूंगा, तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आपको एक सौर ऊर्जा परियोजना भी है, कुरनूल सौर ऊर्जा परियोजना आपको आंध्र प्रदेश में है। आपको आंध्र प्रदेश में अनंतपुर पवन ऊर्जा पार्क भी है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपको अनंतपुर ऊर्जा पार्क भी है, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश के बारे में छोटी बातें थी, लेकिन ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तब देखिए कर्नाटक के कुछ हम नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक का मात्र 5 नेशनल पार्क है, इसका देखिए ट्रिक क्या है, BBNKA, क्या BBNKA, मतलब बांदीपुर, बनरघट्टा, नांगरहॉल, कुद्रेमुख और अंसी, ये सब नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, कर्नाटक में। एक बार सुन लीजिए, बांदीपुर, बनरघट्टा, नागरहॉल, कुद्रेमुख और अंसी, ये सब नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, कर्नाटक में, ठीक है। अब देख लीजिए केरल, केरल जिस पार्क के अंत में आपको 16 लगा मिल जाए, जिस पार्क के अंत में आपको 16 लगा मिल जाए, तो वो समझ लीजिए केरल का है। जैसे कि अनामोदी 16, अराविकुलम 16, मथिकट्टन 16, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पे हैं, केरल में है, ठीक है। इंटांगी, इंटांगी नागालैंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है वो, इंटांगी नेशनल उद्यान, ठीक है। तो ये हमारा नेशनल पार्क के बारे में था। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देख लीजिए इनमें से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है, ये क्वेश्चन आपको पिछली बार भी जो भी एग्जाम हुआ था, सॉरी BPSC को छोड़ के जो भी एग्जाम BPSC ने करवाया है, ये क्वेश्चन एकदम मोस्ट फेवरेट है नस्ल से। तो मैं आप लोग को देखिए कौन कौन सा नस्ल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा, गाय का नस्ल, भैंस का नस्ल, भेड़ का नस्ल और बकरी का नस्ल, ये चार नस्ल आप लोग को मैं पूरा टेस्ट में कंठस्थ करा दूंगा, इस बात की मैं गारंटी दे। देखिए अब इनमें से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है, देखिए साहिवाल गाय की नस्ल है, गिर गाय की नस्ल है, राठी गाय की नस्ल है, भदावरी, या जो भदावरी है आपको भैंस की नस्ल है, भदावरी किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल, भीड़ की नस्ल है, ठीक है। गाय की कुछ नस्ल के नाम आप लोग और लिख लीजिए, जैसे कि गाय की नस्ल है आपको लाल सिंधी, ठीक है, उसके बाद काकरेज, उसके बाद है थारपकर, उसके बाद है देवनी, उसके बाद है नागोड़ी, उसके बाद है निमाड़ी और उसके बाद है हल्लीकर। तो ये सब किसकी नस्ल है, गाय की। मैं एक एक करके सारा गाय, भैंस, भेड़, बकरी सारा का नस्ल आप लोग को याद करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरित जलवायु कोष की स्थापना किस सम्मेलन के दौरान कही गई थी, तो हरित जलवायु कोष की स्थापना जो था किस सम्मेलन के दौरान कही गई थी, तो यह जो सम्मेलन था आपका कानकुन सम्मेलन था, और यह कानकुन सम्मेलन 2010 में हुआ था, और इसी सम्मेलन के दौरान कहा गया था हरित जलवायु कोष की स्थापना, ठीक है। ये कोपेनहेगन क्या है, तो कोपेनहेगन सम्मेलन आपको 2009 में हुआ था, और इस सम्मेलन के दौरान यह कहा गया था जो हम लोग ग्रीन हाउस गैसों की कटौती कम कर कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की बात कही गई है। आपसे पूछा जा सकता है जो किस सम्मेलन के दौरान कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की बात कही गई थी, तो कोपेनहेगन सम्मेलन के दौरान कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की बात कही गई थी, ठीक है। अब देखिए दोहा सम्मेलन क्या है, तो दोहा सम्मेलन आपको 2012 में हुआ था, इसमें आपको CDM, मतलब CDM का फुल फॉर्म भी आप लोग लिख लीजिएगा, CDM का फुल फॉर्म होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण करना कम करना, के अंतर्गत प्रदूषण कम करना, इसकी बात किस सम्मेलन के दौरान कही गई थी, दोहा सम्मेलन, जो कि आपको कब हुआ था, 2012 में, ठीक है। अगला है पोलैंड सम्मेलन, इस पोलैंड सम्मेलन को हम लोग वारसा सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और यह सम्मेलन जो हुआ था 2013 में हुआ था, कब हुआ था, 2013 में हुआ था, ठीक है। और यह जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में यह कहा गया था जो हम लोग ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, बताइए, तो भारत में गुलाबी क्रांति का जनक आपको दुर्गेश पटेल को कहा जाता है,
गुलाबी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दुर्गेश पटेल को कहा जाता है, ठीक है। ये हीरालाल चौधरी कौन है? तो हीरालाल चौधरी जो है ये आपको प्रेरित प्रजनन क्रांति के जनक हैं। हीरालाल चौधरी आपको प्रेरित प्रजनन क्रांति के जनक हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी क्या की थी? तो इंदिरा गांधी सिल्वर क्रांति की जनक हैं। इंदिरा गांधी जो है आपको सिल्वर क्रांति की जनक हैं, ठीक है। अरुण कृष्णन, ये जो अरुण कृष्णन हैं, अरुण कृष्णन ये आपको नीली क्रांति के जनक हैं। अरुण कृष्णन आपको नीली क्रांति के जनक हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बने? देखिए बताइए, इनमें से कौन भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बने हैं? तो देखिए, वीवी गिरी बन चुके हैं, मोहम्मद हिदायतुल्ला बन चुके हैं, बीडी जत्ती बन चुके हैं। तो तीन नाम हैं, वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती, ये आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं। और ज्ञानी जेल सिंह ने कार्यवाहक डायरेक्ट राष्ट्रपति का पदभार संभाला था, ठीक है। देखिए इसमें से मैं आप लोग को कुछ और बातों को बता देता हूँ। जैसे कि देख लीजिए, भारत के निम्न व्यक्ति जो हैं, जो मैं व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति नहीं बने, मतलब उपराष्ट्रपति थे लेकिन राष्ट्रपति नहीं बने, तो वो व्यक्ति हैं आपको गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, कृष्णकांत और भैरव सिंह शेखावत और हामिद अंसारी। तो ये पाँच व्यक्ति ऐसे हैं जो कि उपराष्ट्रपति थे लेकिन राष्ट्रपति नहीं बने हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नीति निर्देशक सिद्धांत में मुफ्त कानूनी सलाह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत कब है? तो यह भाग चार अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से? आयरलैंड से। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन नीति निर्देशक तत्वों को विशेषता वाला बताया है, ठीक है। मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा एवं दर्शन कहा जाता है। जब मूल अधिकारों के साथ हम लोग निर्देशक तत्व को मिला देते हैं तो वह संविधान की आत्मा एवं दर्शन कहलाता है, ठीक है। निर्देशक तत्व की जो प्रकृति होती है गैर न्यायोचित है। मतलब गैर न्यायोचित का मतलब यह है, जो राज्य जरूरी नहीं है, जो नीति निर्देशक में जो दे रखा है 36 से 51 तक, तो राज्य जरूरी नहीं है जो उसको लागू कर सके। और हम लोग इसका हनन होने पर, मतलब राज्य इसको लागू नहीं करती है, तो हम लोग न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। और इसको लागू करने का अधिकार सिर्फ राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया। अगर राज्य चाहे तो लागू कर सकती है नीति निर्देशक तत्व को, नहीं तो नहीं लागू कर सकती है, ठीक है। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्व में गांधीवादी विचारधारा के भी कुछ अनुच्छेद हैं। तो नीति निर्देशक तत्व में गांधी विचारधारा के जो अनुच्छेद हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसमें अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48, ये गांधीवादी विचारधारा को दर्शाते हैं अनुच्छेद। आप लोग को 36 से 51 तक जितने अनुच्छेद हैं उन सबको शामिल कर लेना है और उन सबको आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिए 42वें संविधान, तो नीति निर्देशक सिद्धांत में मुफ्त कानूनी सलाह जो है आपको 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था। तो 42वें संशोधन द्वारा सिर्फ मुफ्त कानूनी सलाह ही नहीं जोड़ा गया, आपको बता रहा हूँ मैं क्या क्या जोड़ा गया। अनुच्छेद 39 जोड़ा गया, 39 जोड़ा गया, जिसमें बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए बात कही गई, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए बात कही गई, ठीक है। उसके बाद 39A में आपको मुफ्त कानूनी सलाह जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? 39A में मुफ्त कानूनी सलाह जोड़ा गया, ठीक है। फिर अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंधन के बारे में बात कही गई, ठीक है। और अनुच्छेद 48A के तहत वन जीवों की रक्षा की बात कही गई। तो अनुच्छेद 42 के तहत चार अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद कौन कौन? 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और 48A। तो अनुच्छेद 39 के बारे में हम लोगों ने जान लिया है, बच्चों के स्वस्थ विकास के बारे में कहा गया है, ठीक है, मतलब बच्चों का स्वस्थ विकास हो सके, ठीक है। फिर अनुच्छेद 39A में मुफ्त कानूनी सलाह के बारे में बात कही गई है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिक की भागीदारी की बात कही गई है। और अनुच्छेद 48 में वन्य जीवन की रक्षा के बारे में बात कही गई है, ठीक है, समझ में आ गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मुफ्त कानूनी सलाह ही नहीं, सिर्फ चार अनुच्छेद जोड़े गए थे। जबकि यहाँ ध्यान दे लीजिएगा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मात्र एक अनुच्छेद जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो वह अनुच्छेद 38 है, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 38 के अंतर्गत यह बात कही गई है कि राज्य जो है आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करे, ठीक है। राज्य जो है सभी को आय में, उसके प्रतिष्ठा में और उसको जो असमानता मिलती है सुविधाओं में, उसको समाप्त कर दे। सबको एक समान आय रखे, सबकी एक समान प्रतिष्ठा दे, तो उसको जो असमानता है उसको समाप्त करे, ठीक है। अब देखिए, हम लोग
जैसे कि आप लोग 36 से 51 तो जानते हैं, तो अनुच्छेद 36 के बारे में दो मैं जान ले बता देता हूँ जो कि आप लोग को लुसेंट में नहीं दिया गया है। तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में कही गई है और अनुच्छेद 37 में यह कहा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करना राज्यों को नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के बारे में कही गई है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य लागू करे, मतलब उसके ऊपर दबाव नहीं है लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य लागू करे। तो ये था नीति निर्देशक के बारे में पूरा डिटेल। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सरकारी आयोग में इनमें से कौन सदस्य नहीं थे? तो सरकारी आयोग, देखिए सबसे पहले हम लोग गठन के बारे में जान लेते हैं। सरकारी आयोग था केंद्र राज्य संबंध में सुधार के लिए बनाया गया था। किसके लिए? तो केंद्र राज्य संबंध में सुधार के लिए बनाया गया था। तो इसका जो गठन था आपको 1983 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रविंद्र सिंह सरकारिया, कौन थे? रविंद्र सिंह सरकारिया के निर्देश में किया गया था। और इसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी 1987 में दी थी। कब दी थी? 1987 में दी थी। और जारी कब किया गया था? 1988 में। कब जारी किया गया था? 1988 में। ठीक है, इसने आपको टोटल जो सिफारिश दी थी 247 सिफारिश दी थी। कितनी सिफारिश दी थी? 247 सिफारिश दी थी। और इन्हीं के सिफारिश के आधार पर आपको अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की बात कही गई थी। इन्हीं के सिफारिश के आधार पर आपको अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की बात कही गई थी। और इन्हीं ने सिफारिश दिया था जो राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदल कर राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद किया जाना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदलकर राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद किया जाना चाहिए। अब हम लोग अपने मेन क्वेश्चन की ओर निकलते हैं। सरकारी आयोग में टोटल 3 सदस्य थे। एक तो आर.एस. सरकारिया थे, जिनका नाम क्या था? रविंद्र सिंह सरकारिया। और एक व्यक्ति और थे, V.शिवरामन। ठीक है, V.शिवरामन और M.R. सेन। ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति का मैंने नाम जान लिया। ये चौथे व्यक्ति शीतल वार कौन है? तो ये शीतल वार हैं भारत के प्रथम महान न्यायवादी थे। शीतल वार जो थे भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंध में सुधार से और कुछ समिति के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपको राज मन्नार समिति भी, जो कि 1969 में बनाई गई थी, ये भी आपको केंद्र राज्य संबंध में सुधार से है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रशासनिक सुधार आयोग, ये भी आपको केंद्र राज्य संबंध में सुधार से है। ठीक है, फिर उसके बाद पुंछी समिति भी आपको केंद्र राज्य संबंध में सुधार से है। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता इनमें से कौन सा नहीं है? भारत का जन्मा नागरिक हो, भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो, उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष के तक अधिवक्ता रह चुका हो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो। देखिए, तो इसमें पहला ही ऑप्शन हमारा गलत है। भारत का जन्मा नागरिक हो जरूरी नहीं है, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, कहीं का नागरिक हो लेकिन अगर वह भारत की नागरिकता उसको प्राप्त हो जाती है तो वह जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। देखिए, अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कौन कौन, देखिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है, मुख्य न्यायाधीश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, कौन चुनता है? चुनता तो है राष्ट्रपति, लेकिन सलाह कौन देता है? तो उस राज्य के राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, उस राज्य के राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सिफारिश करते हैं जो इस व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश चुना जाए। लेकिन जब उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात आती है तो राज्यपाल और उच्च न्यायालय के उसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी परामर्श देते हैं राष्ट्रपति को जो इस व्यक्ति को उच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश चुना जाए। ठीक है, अब हम लोग कुछ बातों को और जान लेते हैं। जैसे कि भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय है, 25वां उच्च न्यायालय कौन है? तो तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना है। ठीक है, और तेलंगाना है, तेलंगाना को की स्थापना कब की गई थी? तेलंगाना राज्य तो 1 जनवरी 2019 को की गई थी। ठीक है, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसके मुख्य न्यायाधीश आपको राघवेंद्र सिंह चौहान है। कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान है। ठीक है, और आपको, ठीक है, तो अब उच्च न्यायालय के बारे में हम लोग नियुक्ति के बारे में भी बात कर लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करवाते हैं? तो ये आपको राष्ट्रपति। इनको शपथ कौन दिलवाता है? तो शपथ भी इनको राष्ट्रपति ही, सॉरी, राज्यपाल दिलवाता है। ठीक है, और हटाने, इनको अगर हटाने या महाभियोग की प्रक्रिया की बात की जाए तो इनको जैसे कि संसद के विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत से अगर कोई पारित हो जाए, इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में विधानमंडल की कोई भूमिका नहीं होती है, संसद से अगर यह पारित हो जाए तो 2/3 बहुमत से, तब राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है आपको लोकसभा, जब उनको हटाया जाता है तो लोकसभा के 100 सदस्यों के साइन चाहिए और राज्यसभा के 50 सदस्यों के साइन चाहिए, तभी उनको हटा देता है। ठीक है, अब उच्च न्यायालय से हम लोग कुछ अनुच्छेद के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 214 के अंतर्गत राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात कही गई है। अनुच्छेद 214 के अंतर्गत राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात कही गई है और अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बात कही गई है।
ठीक है। और अनुच्छेद 217 के अंतर्गत आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता की बात कही गई है। तो सर्वप्रथम आपको 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, कौन कौन सा था वो, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास 1862 में। फिर उसके बाद आपको 1866 में आपको इलाहाबाद में किया गया। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार के पटना में आपको 1916 में पटना में स्थापना की गई। सबसे अधिक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जज की संख्या आपको इलाहाबाद में है, कितना है तो इलाहाबाद में 160 है। और सबसे कम कहाँ है तो सिक्किम में है, सिक्किम में कितना है तो 3 है। और बिहार में कितना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या है तो यह हमारा 53 है, मतलब 53 है, ठीक है। तो यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में बात थी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य कार्यपालिका में किसे आभूषणीय विकासिता या सफ़ेद का हाथी कहते हैं? इस क्वेश्चन में अधिक स्टूडेंट गलत करेंगे। तो किसे आभूषणीय विकासिता या सफ़ेद हाथी कहते हैं? सफ़ेद हाथी कहते हैं तो विधान परिषद को, विधान परिषद को आभूषणीय विकासिता या सफ़ेद हाथी कहते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो भारत के टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है, भारत के टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से वो राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। जम्मू कश्मीर को, जब जम्मू कश्मीर को अब हटा दिया गया है, टोटल मात्र 6 राज्यों में है, ठीक है। अब सबकी हम लोग जनसंख्या जान लेते हैं ताकि अगर आपसे पूछे तो बढ़ते घटते हुए क्रम में कौन है। तो उत्तर प्रदेश में आपको 100 है, लुसेंट में आपको गलत दिया हुआ है, 99 है, वो गलत है, आप लोग यहाँ ध्यान लीजिए। उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीट है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में आपको 78 है, ठीक है, कर्नाटक में आपको 75 है, बिहार में आपको 75 है, आंध्र प्रदेश में 50 है और तेलंगाना में कितना है, 40 है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अगर किसी राज्य में अगर आप विधान परिषद का गठन या विघटन करना हो तो यह संसद कर सकती है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो या विघटन करना हो तो यह संसद कर सकती है, लेकिन इससे पहले यह प्रस्ताव संविधान की संविधान जो है राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष प्रस्ताव से पास हो जाना चाहिए। जब भी मैं विशेष प्रस्ताव बोलूँ तो आप लोग समझ लीजिए दो तिहाई बहुमत, ठीक है, दो तिहाई बहुमत, ठीक है। जैसे कि दो तिहाई बहुमत मतलब क्या होता है, सोच समझ लीजिए। जैसे कि बिहार में देख लीजिए, बिहार में टोटल 243 है, 243 विधानसभा सीट है, तो इसका देख लीजिए दो तिहाई क्या होगा, 243 गुना 2/3, इसको अगर हम करें 81, ठीक है, 3×8=24, 81 गुना 162, अगर 162 विधायक विधान परिषद को बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वहाँ विधानसभा का, विधान परिषद का निर्माण हो सकता है। लेकिन अगर यही 162 सदस्य विधान परिषद को ख़त्म करने की बात कहें तो विधान परिषद भी ख़त्म हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, विधान परिषद को जो सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप की से निर्वाचित होते हैं, अप्रत्यक्ष, विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और विधान परिषद के सदस्य आपको अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ठीक है। इसकी जो संख्या होती है विधानसभा की 1/3, जितनी विधानसभा की संख्या है उसकी 1/3 विधानसभा में, जैसे बिहार विधानसभा में 243 सदस्य, 243 का 1/3 क्या हो जाएगा, 81 संख्या होनी चाहिए, ठीक है। और न्यूनतम 40 होना चाहिए, न्यूनतम कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए, ठीक है। अब विधान परिषद में कौन कौन निर्वाचित हो सकते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, विधान परिषद में आपको 1/3 सदस्य जो होते हैं स्थानीय निकाय से निर्वाचित होते हैं, स्थानीय मतलब नगर पंचायत, पंचायत, नगर प्रशासन, जिला परिषद, इन सब से निर्वाचित होते हैं, ठीक है। फिर 1/12 सदस्य जिन्होंने 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर लिया हो, जिन्होंने 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर लिया हो उनको बनाया जा सकता है, ठीक है। फिर 1/12 सदस्य जो अध्यापन कार्य कर रहे होते हैं लेकिन माध्यमिक स्कूलों से कम के नहीं, मतलब प्राइमरी स्कूल का कोई जो टीचर कहे जो हमको विधान परिषद सदस्य बनना है तो वो नहीं, ठीक है। तो माध्यमिक स्कूल या उससे ऊपर के जो होते हैं लेकिन वो तीन वर्ष पहले से पढ़ा रहे हों तभी उनको विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित किया जा सकता है, ठीक है। फिर 1/3 सदस्य आपको विधानसभा के सदस्य, 1/3 सदस्य किससे, तो विधानसभा के सदस्य से, ठीक है। बाकी जितने बचे 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है, तो किन क्षेत्रों में राज्यपाल मनोनीत करता है, तो साहित्य में, ज्ञान में, कला में, सहकारिता आंदोलन में और समाज सेवा में, ठीक है। तो राष्ट्रपति 1/6 सदस्य को इन्हें मनोनीत करता है। लेकिन ध्यान देनी बात योगी यह है, जो विधान परिषद में राष्ट्रपति अंगल भारतीयों को, सॉरी, राज्यपाल अंगल भारतीयों को मनोनीत नहीं करता, विधान सभा में मनोनीत करता है अंगल भारतीयों को। अनुच्छेद 333 के तहत एक सदस्य को आपको अंगल भारतीय सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कौन करता है, राज्यपाल, ठीक है। अगर इस प्रकार से देखा जाए तो 5/6 सदस्य जो होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से विधान परिषद में निर्वाचित होते हैं, बाकी जितने 1/6 सदस्य जो होते हैं वो आपको मनोनीत किए जाते हैं,
ठीक है, समझ में आ गया। 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है, लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा यहाँ, जब आपको पूछेगा आपसे जी विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, अगर वहाँ 2, 3, 4, 5, 6 दिया हो तो 6 वर्ष टिक लगाना है, लेकिन अगर ऑप्शन में कभी नहीं दिया दे दिया हो तो आपको कभी नहीं पर टिक लगाना है। समझ में आ गया। अब देखिए अनुच्छेद 171 के अंतर्गत आपको विधान परिषद के गठन की बात कही गई है, ठीक है। विधान परिषद जो है किसी विधेयक को 4 माह के लिए रोक सकती है, पहली बार 3 माह के लिए और दूसरी बार में 1 माह के लिए। अगर आपसे पूछे पहली बार कितने माह के लिए तो 3 माह के लिए और दूसरी बार 1 माह के लिए, टोटल 4 माह के लिए विधान परिषद किसी विधेयक को रोक सकती है, लेकिन धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकती है। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दी इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक प्रकाशन की स्थापना किसने की थी? तो दी इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्रिका के प्रकाशन की जो स्थापना की थी उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, और यही श्याम कृष्ण वर्मा ने आपको लंदन में ही इंडिया हाउस की स्थापना की थी, ठीक है। और ये जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे आपको गुजरात के थे, और द इंडियन सोशोलॉजिस्ट इन्होंने इंग्लैंड में लिखा था। कहाँ पर लिखा था? इंग्लैंड में लिखा था, ठीक है, समझ में आ गया। और हम लोग एनी बेसेंट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि एनी बेसेंट जो है आपको कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के लिखी, और इन्होंने आपको होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना की, और होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना की थी इन्होंने सितंबर 1916 में की थी। कब की थी? सितंबर 1916 में की थी, ठीक है। अब बचे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी लिखा और मिरातुल अखबार लिखा, ठीक है। तो ये जो संवाद कौमुदी लिखा, इसका एक दूसरा नाम भी कहा जाता था, प्रज्ञा का चांद। क्या कहा जाता था? प्रज्ञा का चांद। इसको जो लिखा था संवाद कौमुदी या प्रज्ञा के चांद्र को बंगाली भाषा में लिखा था, ठीक है, और फारसी भाषा में मिरातुल अखबार को लिखा, जिसको कहा जाता था बुद्धि का दर्पण। क्या लिखा कहा जाता था? बुद्धि का दर्पण। गांधी जी के बारे में सभी लोग जानते हैं उन्होंने किस किस पुस्तक को लिखा। तो गांधी जी ने आपको हिंद स्वराज लिखा, फिर इंडियन ओपिनियन लिखा, फिर आपको यंग इंडिया लिखा, फिर हरिजन एक लिखा, हरिजन पत्रिका, जो कि अंग्रेजी में लिखा था। इसको ध्यान सुनिएगा, हरिजन पत्रिका अंग्रेजी में, फिर से हरिजन बंधु गुजराती में, ठीक है, और हरिजन सेवक आपको हिंदी में लिखा था, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। धर्मठ के युद्ध में दारा सिंह की मदद किसने की थी? तो यह धर्मठ का जो युद्ध था उत्तराधिकार का युद्ध था, यह आपको औरंगजेब और दारा सिंह के बीच हुआ था, और इस युद्ध में दारा सिंह की मदद है, इस युद्ध में दारा सिंह की जो मदद है जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने किया था। किसने किया था? जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने किया था। और यह जो धर्मठ है आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट स्थान है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट स्थान है। समझ में आ गया। अब ये हम लोग देख रहे हैं मुराद। मुराद जो था औरंगजेब की मदद किया था। मुराद जो है औरंगजेब की मदद किया था, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए मेवाड़ के राजा जो राज सिंह जो है, ये जो राज सिंह और एक और मराठा के राजा राठौर रहता थे दुर्गादास, ठीक है, इन्होंने अकबर को, अकबर द्वितीय जो कि औरंगजेब का पुत्र था, और अकबर द्वितीय को सहयोग दिया था जो अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कीजिए मैं आपका साथ दूंगा। और अकबर द्वितीय औरंगजेब के खिलाफ इसलिए विद्रोह करना चाहता था, जो औरंगजेब राजपूतों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, तो अकबर द्वितीय इसलिए अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। समझ में आ गया। तो अकबर द्वितीय का सहयोग किसने दिया था? तो मेवाड़ के राजा राज सिंह और राठौर नेता मारवाड़ का दुर्गादास, इन्होंने अकबर द्वितीय का सहयोग दिया था। जबकि धर्मठ के युद्ध में दारा सिंह की मदद किसने की थी? तो दुर्गादास ने की थी, सॉरी जसवंत सिंह ने की थी। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन स्वराज विधेयक में होता है, और इस विधेयक को किसने तैयार किया था? तो इस विधेयक के बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने मैंने बता दिया है होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, और बाल गंगाधर तिलक ही आपको पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने आपको केसरी, मराठा, गीता रहस्य पुस्तक लिखा, ठीक है। इन्होंने गणपति उत्सव 1893 में और शिवाजी उत्सव 1895 में प्रारंभ की, ठीक है। और ये बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने, ठीक है, ये बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने। बाल गंगाधर तिलक को ही वैलेंटाइन सिरोल ने अशांति का जनक कहा है, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक के ही कारण कांग्रेस का जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें उग्रवादियों, ठीक है, जो उग्रवादी और मुसलमान जो थे, मुसलमान जो अलग हो गए थे, उनको उदारवादियों से मिलाया था। तो बाल गंगाधर तिलक थे और एनी बेसेंट, ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना, ये तीनों ने मिलकर उग्रवादी और मुसलमान जो थे उनको उदारवादियों से मिलाया था, ठीक है।
और तिलक के द्वारा जो होमरो सोसाइटी स्थापित किया गया था उसके सचिव थे आपको ये जॉर्ज अरुंडेल और इसके जो अध्यक्ष थे आपको जोसफ बैट कौन थे जोसफ बैपटिस्टा थे, ध्यान सुनिएगा। इसके जो सचिव थे केलकर और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे तिलक के होमरूल के उसके अध्यक्ष बनाए गए थे जोसफ बैपटिस्टा जोसफ बैपटिस्टा और इसके सचिव बनाए गए थे केलकर, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने बारे में सब जान, ठीक है। दादा भाई नौरोजी आगे आने वाले वीडियो में सारे क्वेश्चन का भी डिटेल करता चलूँगा, ठीक है। किस भक्ति आंदोलन संत ने अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया था? तो भक्ति आंदोलन संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में रामानंद ने किया था। तो भक्ति आंदोलन के बारे में भी कुछ बातों को जान लेते हैं। तो भक्ति आंदोलन जो है आपकी इसकी शुरुआत 8वीं सदी में हुई थी, दक्षिण में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? 8वीं सदी में दक्षिण में द्रविड़ देश कर्नाटक में हुई थी और इसका उदय आपको शंकराचार्य ने किया था और शंकराचार्य जो है आपको अद्वैतवाद दर्शन का भी प्रतिपादन किया था। जबकि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को रामानंद के द्वारा लाया गया था, ठीक है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया था, ठीक है। भक्ति आंदोलन को जो है 12 वैष्णव अलवार संतों 12 और 63 नैनार शैव संतों ने किया था। 12 अलवार वैष्णव संत और 63 नैनार शैव संत ने किया था, ठीक है। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म भी हुआ है। तो भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था और इसके पुनर्जन्म में योगदान दिया है कबीरदास, नानक, तुलसी, मीराबाई। तो इन्होंने आपको भक्ति आंदोलन के पुनर्जन्म में योगदान दिया है, ठीक है। रामानुजाचार्य, इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया, ठीक है। गुरु नानक, इन्होंने सिख धर्म की शुरुआत की, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो मोहम्मद गौरी की जो भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है वो आपको तबकात ए नासरी में मिलता है, जिसको मिनहाज उल सिराज ने लिखा है, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने आपको भारत पे पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर किया था, जबकि भारत पर उसने पहला आक्रमण 1178 में किया था। और उसने जब गुजरात में पहला बार आक्रमण किया था 1178 में, तो वहाँ का शासक था कौन? मूल राज द्वितीय या भीम द्वितीय। इसने जो है मोहम्मद गौरी को माउंट आबू बिमल पर्वत पर हरा दिया। हालांकि मूलराज द्वितीय या भूम द्वितीय की माँ नायिका देवी ने भी मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय का सहयोग दिया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी की एक बार भारत में और पराजित हुई 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में। पृथ्वीराज चौहान से इसकी पराजय हो गई और तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि आपको 1192 में हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया। और तराइन के द्वितीय युद्ध के साथ ही भारत में मुस्लिम समाज आप समझ सकते हैं जो स्थापित हो गई थी। आपको मोहम्मद गौरी ने आपको चंदावर का युद्ध 1194 में लिखा लड़ा, जिसमें इसने जयसिंह को हरा दिया था, पराजित कर दिया था, ठीक है। और मोहम्मद गौरी के सिक्के पर ही आपको लक्ष्मी का सिक्का, लक्ष्मी जी का फोटो लगा रहता था, ठीक है। इसी का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था, ठीक है। दिल्ली संतलत के किस सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, बताइए? तो दिल्ली संतलत का कौन सा सुल्तान था जिन्हें शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो वह सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने आपको शुद्ध अरबी सिक्के ही नहीं चलाए, इसने आपको इत्ता प्रथा का गठन किया, ठीक है। तुर्कान चहलगानी का गठन किया, इसने दिल्ली के अमीरों का दमन किया, इसने आपको कुतुब मीनार का निर्माण किया। तो इल्तुतमिश के बारे में बहुत सुल्तान था, दिल्ली का प्रथम मुसलमान सुल्तान जिसने आपको सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो ये सब बातें इल्तुतमिश के बारे में है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। शुष्क सेल का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए ये हमारा अब आ गया है साइंस का क्वेश्चन, शुष्क सेल का प्रयोग कहाँ होता है बताइए? तो शुष्क सेल का प्रयोग आपको कहाँ पे होता है? ट्रांजिस्टर की बैटरी में होता है, ठीक है। अब शुष्क सेल जो होता है आपको एक जिंक कार्बन बैटरी होता है, ठीक है, जिसे शुष्क लेक लांसे सेल भी कहते हैं। मतलब इसका लोग लांसे सेल का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ रुक रुक कर करंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। शुष्क सेल की जो वोल्टता होती है 1.5 वोल्टता होती है, ठीक है। और इसका जो उपयोग होता है आपको ट्रांजिस्टर में होता है, रेडियो में होता है, टर्च में होता है, कैलकुलेटर आदि में भी किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें से किसे हाइपो कहा जाता है? तो हाइपो जो आपको सोडियम थायोसल्फेट को क्या कहा जाता है? हाइपो कहा जाता है। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो भी कहा जाता है। और सोडियम थायोसल्फेट एक रासायनिक दवा है। क्या है? रासायनिक दवा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली मुख्य गैस कौन सी है बताइए? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली जो मुख्य गैस है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली गैस है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? तो फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस आपको एसिटिलीन है। कौन सी है? एसिटिलीन। और एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र C2 या H2 है, ठीक है।
हालांकि आपको एथिलीन भी आपको गैस है, लेकिन यह एक पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहयोग करती है। जब आपसे कृत्रिम तरीके से पूछे तो एसिटिलीन, और जब फलों को सिर्फ पकाने से पूछे तो आपको एथिलीन को टिक करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने में प्रयोग की जाती है, बताइए। तो इस पीने के पानी को शुद्ध करने में आपको क्लोरीन गैस प्रयोग की जाती है। ठीक है, और क्लोरीन की जो खोज है आपको सेले नामक वैज्ञानिक ने की थी, और क्लोरीन आपको हरे पीले रंग की गैस जिसमें तीखी गंध होती है वो होती है। ठीक है, जल के साथ क्लोरीन की क्रिया करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइपोक्लोरिक अम्ल बनता है। जल के साथ जब हम क्लोरीन को मिलाएंगे तो यह आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइपोक्लोरस अम्ल की प्रक्रिया देगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आई कमिट, यह हमारा आ गया है करंट अफेयर। आई कमिट किस मंत्रालय की पहल है, तो आई कमिट जो है आपको पर्यावरण मंत्रालय की पहल है। आपको देखिए पिछला बार आपसे पूछा था हैशटैग पावर ऑफ 18 किस मंत्रालय के किसका पहल है, तो ट्विटर का था। तो उसी प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन को भी सेट किया है जो हैशटैग से इस बार जो अभियान शुरू हुआ है। तो हैशटैग आई कमिट आपको किस मंत्रालय की पहल है, तो पर्यावरण मंत्रालय की पहल है। अब हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, अमेजन ये सब जो कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हालांकि एक चीज़ और आप लोग ध्यान दे लीजिए, जब आपसे पूछे हैशटैग री इमेजिन, यहाँ से देख लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हैशटैग री इमेजिन किसने शुरू किया है, हैशटैग री इमेजिन, हैशटैग लिख लीजिएगा आप लोग री इमेजिन, री इमेजिन को किसने शुरू किया है, तो इसको आपको यूनिसेफ ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है, यूनिसेफ ने शुरू किया है। ठीक है, अब आप लोग व्हाट्सएप ने क्या शुरू किया है, अमेजन ने क्या शुरू किया है, फेसबुक ने क्या शुरू किया है, फ्लिपकार्ट ने क्या शुरू किया है, इस सब के बारे में भी बता देता हूँ। जैसे कि देख लीजिए व्हाट्सएप ने आपको इट्स बिटवीन यू शुरू किया है। ठीक है, अमेजन ने आपको इतना आसान है व्यापार के लिए शुरू किया है, फेसबुक ने कैचअप शुरू किया है, कोलैब शुरू किया है, फेसबुक शॉप ओपन किया है। तो कैचअप, कोलैब और फेसबुक शॉप, तो इस सब को फेसबुक ने शुरू किया है। ठीक है, समर्थ कार्यक्रम किसने शुरू किया है, तो फ्लिपकार्ट ने शुरू किया है। ठीक है, गूगल ने आपको डीजीपी वॉट, टॉकबैक और सोडार शुरू किया है। ठीक है, टॉकबैक जो है आपको अंधों के लिए, और सोडार जो है डिस्टेंस, मतलब जो होता है डिस्टेंस कोरोना काल में उसके लिए सोडार बनाया है, डीजीपी वोट बनाया है। तो ये सब था आपको जो कि आपको जो टेक्निकल कंपनियां हैं इन्होंने जो शुरू किया है उसका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली किसान रेल किन राज्यों के बीच चलेगी, बताइए। तो ये जो भारत की पहली जो किसान रेल है यह आपको मुंबई से पटना के बीच चलेगी। किसके बीच चलेगी, मुंबई से पटना के बीच चलेगी। ठीक है, और यह मुंबई के किस स्टेशन से और पटना के किस स्टेशन तक चलेगी, तो मुंबई के देवलाली स्टेशन से पटना के दानापुर स्टेशन तक चलेगी। ठीक है, तो कुछ ट्रेन के बारे में और बता देता हूं मैं। जैसे कि भारत की पहली व्यापार माला ट्रेन कहां से शुरू की गई, तो भारत की पहली व्यापार माला ट्रेन दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जिरियानी तक शुरू की गई है। ठीक है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पहले गोरखपुर था, लेकिन अब क्या है, हुबली। यह जो हुबली प्लेटफॉर्म कहाँ पे है, कर्नाटक में है, और यह आपको 1400 मीटर लंबा है और यह आपको 10 मीटर चौड़ा है। ठीक है, जब लॉकडाउन लग गया था तो लॉकडाउन के दौरान पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहाँ से चली थी, तो पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन आपको लिंगमपल्ली तेलंगाना में जो स्थित है से हटिया झारखंड तक चली थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कर्मभूमि पोर्टल की शुरुआत किस राज्य ने की है, तो कर्मभूमि पोर्टल की शुरुआत आपको पश्चिम बंगाल ने की है। पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ बातों को हम और जान लेते हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल सब्जी के उत्पादन में प्रथम राज्य है। यहाँ के एक चावल को जीआई टैग दिया गया है, उस चावल का नाम है पोक्कली चावल। कौन सा चावल, पोक्कली चावल। ठीक है, यहाँ पे मातृ श्रमिष्ठी योजना चलती है, यहाँ पे कन्याश्री प्रकल्प योजना चलती है, यहाँ पे साहू साथी योजना चलती है। तो ये सब पश्चिम बंगाल के बारे में था। ये जो कर्मभूमि पोर्टल शुरू किया गया था ये इंजीनियरों के लिए शुरू किया गया। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में चरण पादुका योजना शुरू की गई थी, हमारा घर हमारा विद्यालय शुरू किया गया था, FIR आपके द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, यहाँ पे इंतजार आपका शुरू किया गया है, यहाँ पे किल कोरोना शुरू किया गया है, निष्ठा विद्युत मित्र जो कि महिलाओं के लिए है, मतलब यहाँ पे जितनी महिलाएं होंगी इस बिजली विभाग को संभालेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्वाभिमान योजना शुरू की गई है, यहाँ पे संभल योजना शुरू की गई है, यहाँ पे थैंक मॉम शुरू किया गया है जो कि आपको पेड़ों की रक्षा के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, अब हम लोग कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक में आपको मिक्स संदेश ऐप शुरू किया गया, निकेरा सम्मान योजना शुरू किया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, जैसे कि सब्जी के उत्पादन में पश्चिम बंगाल है, उसी प्रकार से आपको आंध्र प्रदेश फल के उत्पादन में प्रथम है। ठीक है, यहाँ का एक मिर्च है जिसको आपको भेजा जा रहा है बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पे मिसाइल पार्क बन रहा है जिसका नाम आपको अग्निप्रस्थ रखा गया है। मिसाइल पार्क बन रहा है जिसका नाम अग्निप्रस्थ रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे रीस्टार्ट कैंपेन शुरू किया गया है MSME उद्योग के लिए। ठीक है, MSME उद्योग के लिए शुरू किया गया है। यहाँ पे आपको रायलसीमा परियोजना शुरू की गई है, यहाँ पे आपको ई रक्षाबंधन शुरू किया गया है।
तो ये सब मैंने कुछ डिटेल बता दिया है। तो हम लोग करंट अफेयर भी इसी प्रकार से चलेंगे, ठीक है। करंट अफेयर का जो होगा हमारा, अभी तो मैंने 5 क्वेश्चन ही दिया है, 5 या 6 क्वेश्चन दिया है, तो जब मैं 100 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट लाऊंगा उसमें करंट अफेयर कम से कम 20 क्वेश्चन का करंट अफेयर होगा, पूरा डिटेल की सही जानकारी दी जाएगी। आप लोग देख सकते हैं मेरा वीडियो, देखिएगा कितने लंबा होगा, ठीक है। फलों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पड़ता है, मैंने बता दिया है। फलों के उत्पादन में आपका कौन सा है, आंध्र प्रदेश। सेब के उत्पादन में हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। महाराष्ट्र जो है संतरा के लिए फेमस है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश ने अपने देश से रुबेला और खसरा के समापन की घोषणा की है? तो मालदीव और श्रीलंका ने अपने देश से रुबेला और खसरा के समापन की घोषणा की है, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय मूल को ब्रिटेन का वित्त मंत्री बनाया गया, बताइए किस भारतीय मूल के ब्रिटेन का वित्त मंत्री बनाया गया? तो ऋषि सुनाक, ऋषि सुनाक को वित्त मंत्री हैं। प्रीति पटेल जो हैं, प्रीति पटेल जो हैं वहाँ की क्या है? तो प्रीति पटेल वहाँ की गृह मंत्री है, ठीक है। प्रीति पटेल कौन है? गृह मंत्री हैं। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। बोरिस जॉनसन जो हैं वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। बिहार की खादी का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो बिहार की खादी का ब्रांड एम्बेसडर आपको पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भद्राचलम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो यह जो भद्राचलम पहाड़ी है, यह जो भद्राचलम पहाड़ी है आपको तेलंगाना में है, ठीक है। महाराष्ट्र की बात कर लीजिए तो महाराष्ट्र में आपको अजंता पहाड़ी है, हरिश्चंद्र पहाड़ी है और गाविलगढ़ पहाड़ी है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में नल्ला माला पहाड़ी है और पालकोंडा पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोरोमंडल तट तमिलनाडु से किस दिशा में स्थित है? तो कोरोमंडल तट बात की जाए, अगर कोरोमंडल तट देखिएगा, अगर मैं भारत का सिर्फ निचला मैप बनाता हूँ कोरोमंडल तट, तो यहाँ पे है अपना कोरोमंडल तट, यहाँ पे है कोरोमंडल तट और यहाँ पे है तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पे है तमिलनाडु, तब देखिए किस दिशा में है, तो ये हमारा पूर्व दिशा में हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछे यही मालाबार तट, तो यहाँ पे है मालाबार तट, मालाबार तट किस दिशा में हो गया? पश्चिम दिशा में हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अरावली श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? तो अरावली श्रेणी का जो निर्माण हुआ था प्री कैम्बियन काल में हुआ था। और प्री कैम्बियन काल कब से शुरू हुआ? तो प्री कैम्बियन काल 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। और आपको अरावली श्रेणी की लंबाई अगर देखी जाए तो इसकी लंबाई जो है 800 किलोमीटर है। यह भारत ही नहीं पूरे विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रेणी है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर है, और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर है, ठीक है। अगर आपको देखा जाए सेनोजोइक युग में किसका निर्माण हुआ था? तो शिवालिक पहाड़ी का, ठीक है। शिवालिक पहाड़ी का कब हुआ था? तो सेनोजोइक युग में, ठीक है। और प्लायोसीन युग में किसका हुआ था? तो हिमालय का आप कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी, सेनोजोइक और प्लायोसीन युग, ये दोनों जो था सेनोजोइक और प्लायोसीन, ये दोनों एक ही हैं। और इन दोनों युग में आपको शिवालिक पहाड़ी का निर्माण हुआ था, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है जो भारत की समुद्री तट रेखा को लंबाई के क्रम के अनुसार सजाई, तो सबसे बड़ी कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है? तो सबसे बड़ी है आपको गुजरात है, कौन सी है? गुजरात, जिसकी आपको 1214 है, ठीक है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश का कितना है लंबाई? 973 है। फिर उसके बाद कौन सा है? तमिलनाडु है, तमिलनाडु कितनी है? तो तमिलनाडु की आपकी 906 है, तमिलनाडु कितनी है? तो 906 है, ठीक है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का आपको 652 है, ठीक है। तो ये चार आपका, तो इसके हिसाब से अगर देखें तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? गुजरात, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। हमारा आंसर कौन सा होगा? डी नंबर। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी नंबर। आप सबका जो है ये भी लिख लीजिएगा, मैंने जो बताया है जो कितना किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और सबसे कम किसका है? गोवा का। गोवा का कितना है? 151 किलोमीटर। किन्हीं दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? अब देखिए अक्षांश रेखा किसको कहता है? ये हमारी हो गई प्यारी पृथ्वी। तो ये जो रेखा होती है, ये जो रेखा होती है, ये जो रेखा होती है, ये होती है अक्षांश रेखा, और ये जो होती है आपकी देशांतर रेखा। यहाँ पूछा जा रहा है किन्हीं दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? ये जो दो समानांतर रेखा है, ये जो दो समानांतर रेखा है, तो इसके मध्य की दूरी होती है 111 डिग्री। 111 कितनी दूरी होती है? 111 किलोमीटर, ठीक है। अगर आपसे पूछे उत्तर की ओर कितनी दीक्षा, ये हो गया मेन, तो उत्तर की ओर कितनी दीक्षांश रेखा हो गई? तो 89 कितनी हो गई? 18। दक्षिण की ओर कितनी हो गई? 89। जब उत्तर की ओर पूछे तो उत्तर की ओर कितनी दीक्षांश रेखा है? 89। दक्षिण ओर कितनी दीक्षांश रेखा है? 89। और जब आपसे पूछे टोटल कितनी दीक्षांश रेखा है, तो 89 ऐड कर देंगे, 9980 और 88 16 और 1 से 178, और एक जो हम जिससे नापते हैं वो, तो 170 या भूमध्य रेखा से जो नापते हैं, सो तो 171 प्लस 1 टोटल अक्षांश रेखा कितनी है? तो 179 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। 82.5 डिग्री देशांतर पूर्वी 5 राज्यों से गुजरती है। तो मान देखिए, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, हाँ। मध्य प्रदेश से गुजरती है, हाँ। बिहार से नहीं गुजरती है। छत्तीसगढ़ से गुजरती है, हाँ। आपको महाराष्ट्र हो गया और एक उड़ीसा हो गया, सॉरी, ठीक है, ये उड़ीसा हो गया, हाँ, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो इस 5 राज्यों से भारतीय मानक सीमा रेखा गुजरती है और भारतीय मानक सीमा रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति आपको बागवानी उत्पादन से है, ठीक है। कपास उत्पादन किससे है? तो कपास उत्पादन सिल्वर फाइबर क्रांति से है। आपको उर्वरक उत्पादन से कौन सी क्रांति है? तो उर्वरक उत्पादन से धूसर क्रांति हिंदी में, और इंग्लिश में आपको ग्रेड रिवॉल्यूशन, ठीक है। अंडा उत्पादन किससे है? तो रजत उत्पादन से अंडा उत्पादन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, तादरी मेगा पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो तादरी मेगा पावर प्रोजेक्ट आपको कर्नाटक में, तादरी मेगा पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में आपको अलकतरा है और सलका खेमेडिया कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में मेगा पावर प्रोजेक्ट है। महाराष्ट्र में कौन सा है? तो महाराष्ट्र में मात्र एक है, गिरिय मेगा पावर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में कौन सा है? तमिलनाडु में येच्चूर और मरकनम, आपको तमिलनाडु में मेगा पावर प्रोजेक्ट, ये अल्ट्रा मेगा, हाँ, मेगा पावर प्रोजेक्ट है। तमिलनाडु में कौन सा है? येच्चूर और मरकनम मेगा पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तादरी में है। वादीनार तेल रिफाइनरी किस राज्य में है? तो वादीनार तेल रिफाइनरी जो है आपको कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात में को दो और हैं, कोयली है और जामनगर भी है, ये सब कहाँ पे? गुजरात में है। आपको मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में वीना तेल रिफाइनरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में भटिंडा और पानीपत तेल रिफाइनरी कहाँ पे है? पंजाब में है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध के पिता के बारे में सारे लोग जानते हैं, तो गौतम बुद्ध के पिता जैसे कि शाक्य वंश से संबंधित थे। तो इनकी जो माँ थी, माँ महामाया या कोलीय वंश के थे, किस वंश की थी? कोलीय वंश थी, ठीक है। और इनका जो विवाह हुआ था वह यशोधरा जी थी, वह आपको शाक्य कुल की कन्या थी। किस कुल की कन्या थी? तो शाक्य कुल की कन्या थी। और इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल था, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन आपको जैन धर्म से है, ठीक है। जैन धर्म में कुछ और सिद्धांत है, जैसे कि स्यादवाद है जिसको एकांतवाद से भी कहा जाता है, ये सब जो है आपको जैन धर्म से संबंधित है। जैन तीर्थकर अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जैन तीर्थकर अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह आपको हाथी है। सर्प किसका प्रतीक चिन्ह है? तो सर्प जो है आपको पर्शवनाथ का है, ठीक है। सिंह किसका है? तो महावीर का सिंह है। ऋषभदेव जो कि आपको महावीर के बौद्ध जैन धर्म के प्रथम संस्थापक थे, उनका आपको तीर्थ प्रतीक चिन्ह आपको बैल है, ठीक है। सिप्पी जलविद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो सिप्पी जलविद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में। आपको हिमाचल प्रदेश में सिप्पी ही नहीं है, कुछ और हैं, जैसे कि सिप्पी है, बैरासिविल है, और क्या है? पार्वती है, और क्या है? चमेरा है। ये सब कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में कौन सा है? उत्तराखंड में आपको धौलीगंगा है और टनकपुर है। सिक्किम में कौन सा है? तो तिस्ता है और रिंगिट है। जम्मू कश्मीर में कौन सा है? सलाल है, उड़ी है, दुलहस्ती है, और क्या है? सेवा है, और क्या है? किशनगंगा है, पकाकदुल है, केरू है, मोहरा जल है। तो ये सब कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। भीमपुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो भीमपुर और चुटका नाभिकीय विद्युत संयंत्र आपको मध्य प्रदेश में है, ठीक है। गोरखपुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र आपको हरियाणा में है। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो ये सब नाभिकीय विद्युत संयंत्र है। डाइट किस देश की संसद को कहा जाता है? तो डाइट की संसद जो है जापान को कहा जाता है। ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है। इसराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। और नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है? स्टॉटिंग कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा दिवस आपको 12 अगस्त को मनाया जाता है। और जब आपसे पूछे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपको 12 जनवरी को होता है। 25 जनवरी को क्या होता है? तो राष्ट्रीय वोटर्स डे आपको 25 जनवरी को होता है। और 20 अगस्त को क्या होता है? तो सद्भावना दिवस होता है, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। और अक्षय ऊर्जा दिवस भी कब होता है? 20 अगस्त को ही होता है। अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश राज मन्नार समिति ने की थी। किसने की थी? राज मन्नार समिति ने की थी, ठीक है। राकेश मोहन समिति किससे है? तो राकेश मोहन समिति आपको वित्त व्यवस्था से संबंधित है। पंक्षी समिति केंद्र राज्य संबंध से है। और ज्ञान प्रकाश समिति आपको चीनी घोटाला से संबंधित है।
अंगल भारतीय व्यक्ति किसे कहा जाता है? अंगल भारतीय व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो जिसके पिता यूरोपीय हों, जिसके पिता यूरोपीय हों, उसे हम अंगल भारतीय व्यक्ति को कहा जाता है। अंगल भारतीय व्यक्ति को, दो अंगल भारतीय व्यक्ति को अनुच्छेद 331 में लोकसभा में मनोनीत किया जाता है और अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में राज्यपाल मनोनीत करता है और लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की तो नियुक्ति करता है आपको राज्यपाल, लेकिन उसको पद से हटा सकता है कौन? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। संघ सूची में कितने प्रकार के कर निर्धारण का विशेष अधिकार है? तो संघ सूची में 15 प्रकार के कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। ठीक है, राज्य सूची में टोटल 20 है। राज्य सूची में मतलब राज्य कितने प्रकार का कर लगा सकता है? तो 20 प्रकार का है। संघ सूची में टोटल 15 प्रकार का कर लगा सकता है। और संवर्ती सूची में भी कर को रखा गया, संवर्ती सूची में मात्र 3 कर को रखा गया। कोई कितने कर को? 3 कर को रखा गया है। ठीक है, इनमें से किस सूची को राज्य सूची से हस्तांतरित करके संवर्ती सूची में नहीं किया गया? जैसा कि हम लोग को पता है, संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची को रखा गया, और यह सूची जो है आपको कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संघ सूची में पहले 97 था, वर्तमान में 100 हैं। ठीक है, राज्य सूची में पहले 66 था, वर्तमान में 61 है, और संवर्ती सूची में वर्तमान में सबसे पहले 47 था, वर्तमान में 52 है। तो संवर्ती सूची से ये 47 से 52 हटाया गया है, 5 कर दिया गया, या राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में किया गया है। तो वो कौन कौन से? देखिए, 1 है नाप एवं तौल है, जेल नहीं है, जेल जो है नहीं है। ठीक है, वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, तो 1, 2, 3 हमारा हो गया जो कि राज्य सूची से हस्तांतरित करके संवर्ती सूची में किया गया। ठीक है, एक है न्याय एवं प्रशासन, एक क्या है? न्याय एवं प्रशासन, और एक और है शिक्षा, जिसको राज्य सूची से हस्तांतरित करके संवर्ती सूची में किया गया है। और संवर्ती सूची पे कानून कौन बना सकता है? तो राज्य और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है, लेकिन अगर प्रभावी किसी का रहेगा तो केंद्र सरकार का रहेगा। ठीक है, और इन जो सूची को हटाया गया है आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हटाया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संसदीय सरकार की विशेषता इनमें से कौन सी है? संसदीय प्रकार विशेषता इसमें कौन सी है? तो एकल उत्तरदायित्व इनमें से नहीं है। दिल्ली संतलत के किस काल को भारतीय वजारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? दिल्ली संतलत के किस काल को? तो तुगलक काल को आपको भारतीय वजारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, मैं इसका डिस्कशन नहीं करूँगा, अगले वीडियो में इसका डिस्कशन जरूर होगा। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और कॉमेंट कीजिए कोई अगर आपको क्वेश्चन पे डाउट होता है तो। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।